हेलो वेलकम। आज मैं इस ट्यूटोरियल में डेल्टा के बारे में बताऊंगा, जो कि एक ऑप्शन ग्रीक है। आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हो, कैसे प्रोडिक्ट कर सकते हो। तो उसके लिए आप एक चार्ट देखिए। इस चार्ट में 29 जुलाई की डेट को निफ्टी जो था 8375 पे था और 8400 की कॉल को हम टारगेट कर रहे हैं कैलकुलेशन के लिए। तो ये 148 या 151 की कॉल है। तो डेल्टा जो होता है वो होता है ये ऑप्शन का प्रीमियम किस तरह से मूव करेगा अगर निफ्टी मूव करे। अगर हम कॉल ऑप्शन की बात कीजिए तो 27 अगस्त उसकी एक्सपायरी है, 8400 की हमने कॉल ली है और 151 पे आसपास चल रही है वो, और इस टाइम 8375 जैसा कि मैंने बताया यहाँ पे निफ्टी खड़ा है। अगर कल ये 50 पॉइंट मूव कर जाता है तो मेरा प्रीमियम क्या होगा ऑप्शन का। तो मैंने ऑनलाइन यहाँ पे प्राइस डाले हैं, 8375 अंडरलाइंग है, एक्सरसाइज प्राइस मेरा 84 है, 28 है और 10 मेरा इंटरेस्ट रेट डाला मैंने, वोलेटिलिटी 13.66 डाली। सारा डेटा यहाँ से लिया हुआ है मैंने, वोलेटिलिटी का जो डेटा है। तो हमने कैलकुलेट किया और डेल्टा हमारा आ गया 0.557 और ऑप्शन का प्राइस ऑलमोस्ट 146.6 जो कि 151 के करीब है। और 0.55 का क्या मीनिंग होता है, अगर एक पॉइंट मूव करेगी और निफ्टी तो 0.55 मेरा प्रीमियम में ऐड होगा। तो अगर 100 पॉइंट मूव करेगी तो 55 रुपये आएंगे मेरे प्रीमियम में ऐड होंगे। अगर 50 पॉइंट मूव किया अप्रॉक्सीमेट 28 रुपीस ऐड हो जाएंगे मेरे प्रीमियम में। तो हमारा प्रीमियम हो जाएगा 146 प्लस 28 170 के 1780 के आसपास। तो वही हुआ अगले दिन 30 जुलाई को 8421 पे निफ्टी खड़ा हो गया, 50 पॉइंट की गेन हो गई। तो अब 84 की कॉल है जो यहाँ पे देखिए 178 की हो गई। अब अगला नेक्स्ट मूव अगर 50 पॉइंट हो जाए, 8475 चला जाए, तब मेरा क्या होगा। तो मैंने कैलकुलेशन की 0.61 डेल्टा आ गया। अब जैसे जैसे ऊपर जाते जाएंगे डेल्टा बढ़ता जाएगा। तो हम 100 पॉइंट के मूव के लिए हम यहाँ पे 61 हो गया और 50 पॉइंट के मूव के लिए 32 अप्रॉक्सीमेट ऐड होगा। तो 170 प्लस 32 मेरा 210 प्रीमियम हो जाएगा अगर इंडेक्स मेरा 8475 गया 50 पॉइंट मूव किया। अगर 100 पॉइंट मूव किया तो अप्रॉक्सीमेट 61 पॉइंट ऐड हो गए। तो डेल्टा आप देखिए 0.55 से 0.61 यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। और पुराना जो था 176 प्राइस था, अब नया जो प्राइस होगा 210 होगा अगर निफ्टी 8475 चला जाता है। तो आप इसी तरह देखिए ITM का जो होता है डेल्टा वो सबसे ज़्यादा होता है ATM के कंपैरिजन में और OTM के कंपैरिजन में। डीपर ITM का 0.9 के आसपास होता है डेल्टा, ATM का जैसे 0.55 कैलकुलेट किया था तो 0.5 होता है अप्रॉक्सीमेट, और फार OTM जो बहुत होती है तो 1.0 होते हैं। इसीलिए जब मूवमेंट आता है बड़ा मूवमेंट, बहुत ज़्यादा दूर की OTM जो है मूव नहीं करती क्योंकि उसका डेल्टा वैल्यू कम होता है। और डेल्टा वैल्यू टाइम वैल्यू के साथ भी इफेक्ट करता है, वो जो अगले ट्यूटोरियल में आपको बताऊंगा फैक्टर अफेक्टिंग डेल्टा जो होता है। तो OTM ऑप्शन बहुत दूर की ऑप्शन क्यों मूव नहीं करती, जब एक्सपायरी नज़दीक आती है उसका क्या इफेक्ट होता है, वो अगले ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे। तो फिलहाल अभी इतना जान लिए OTM ऑप्शन का डेल्टा बहुत कम होता है, बड़ा मूवमेंट भी आ जाए तो भी इतना चेंज नहीं होता। डीपर ITM ऑप्शन जो होती है वो बहुत जल्दी तेज होती है, और ATM जो ऑप्शन होती है वो मॉडरेटली चेंज होती है। तो अगर कॉल ऑप्शन ले ली है हमने तो प्राइस ऊपर गया अंडरलाइन का, डेल्टा भी मूव करता जाता है ऊपर की ऊपर, जैसे पहले 84 आपने देखा 8375 था, फिर 8425 हो गया, फिर 8475 होगा,
तो 0.6 की जगह 0.7 हो जाएगा डेल्टा। तो जैसे जैसे प्राइस ऊपर की अंडरलाइन का मूव करता जाता है, डेल्टा भी ऊपर ऊपर जाता है और ऑप्शन का प्राइस भी बढ़ता जाता है। तो 0 से कई बार 1 हो जाता, कई बाहर की OTM ऑप्शन इन द मनी आ गई है तो अप्रॉक्सीमेटली 0 से 1 हो जाएगा डेल्टा उसका। तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा मनी बनती है अगर प्राइस ऊपर जाता जाए, डेल्टा भी ऊपर जाता जाए और ऑप्शन प्राइस भी ऊपर जाता जाएगा। इसके ऑपोजिट अगर डाउन जाता है प्राइस तो डेल्टा भी डाउन जाता रहता है और ऑप्शन का प्राइस भी डाउन जाता रहता है। मींस आपने ATM को कॉल ली है, प्राइस नीचे चला गया, 8000 चला गया है, 78 चला गया है, तो आपको जो लूज़ करने की पावर है आपका ऑप्शन प्रीमियम को, वो आगे आगे जैसे जैसे नीचे जाता जाएगा कम होता जाएगा। मींस वो ऑप्शन OTM की तरफ मूव कर जाएगी। 84 की ऑप्शन अगर 8000 चला जाएगा तो OTM हो जाएगी वो, तो आपका जो इन द मनी ऑप्शन होगी वो आउट ऑफ मनी बन जाएगी, तो 1021 चला जाएगा। तो आप कम से कम लूज़ करोगे अगर आपका उल्टी डायरेक्शन में चला गया है जब आपने कॉल ली हुई है और प्राइस आपका डाउन चला गया है। तो इस तरह से मूवमेंट होती कॉल की, और ये पॉजिटिव मूवमेंट होती है कॉल वाल के लिए, नेगेटिव मूवमेंट होती है पुट के लिए। आप अपना वर्कआउट कीजिए पुट के लिए। ऑनलाइन मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया हुआ है जिसमें बताया हुआ है कि हाउ टू कैलकुलेट ऑप्शन ग्रीक। उसमें आप जाके आप पुट के लिए ऑप्शन ग्रीक्स कैलकुलेट कीजिए और चार्ट के साथ मूवमेंट को देखिए कैसे पुट मूव कर रही है, ऊपर जा रहा है, पुट कैसे ख़त्म हो रही है धीरे धीरे प्राइस, और नीचे जा रहा है प्राइस, कैसे कैसे बढ़ रहा है पुट का। मैंने ऑप्शन एक चेंज का 1 मंथ का डेटा भी दिया हुआ, उसको भी ध्यान में दीजिए, आप उसी हिसाब से कैलकुलेट कीजिए। अगर आपको ट्यूटोरियल ये पसंद आया प्लीज़ लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।